वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 जो है, एक ही तो एक्सरसाइज है, उसका 30 नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक लाइट हाउस समुद्र तल जो होता है, आप लोग कभी किसी मूवी में देखे होंगे, बहुत सारा समुद्र होता है, उसके किनारे एक चिमनी जैसा बहुत ही ऊपर एक बिल्डिंग जैसा बना होता है और सबसे ऊपर लाइट लगा रहता है। वो लाइट क्या करता है कि समुद्र में जितनी भी जहाजें आती है उसको क्या करता है, देखने का काम करता है कि कौन सी जहाज कहाँ है। तो मान लीजिए कि एक समुद्र है और समुद्र में एक लाइट हाउस लगा है। लाइट हाउस ऊपर से लाइट जब जल रहा है, तो जब ऊपर से जल रहा है तो यहाँ दो जहाजों को देख रहा है। कितने जहाजों को देख रहा है, ये ऊपर से दो जहाजों को देख रहा है, तो वहां ऊपर से देख रहा है। तो आप बताइए, कोई भी चीज अगर ऊपर से देखे तो वहां पे जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। नमन यानी होता है नमस्कार करना, और कभी भी नमस्कार करते हैं तो ऊपर से नीचे झुकते हैं, ये नहीं कि नीचे से ऊपर उठते हैं, उनको उठाना थोड़े है, झुक के नमस्कार करना है। ठीक है, तो अवनमन यानी नमन को झुकाना है। ठीक है, तो ऊपर से क्या बनता है, एंगल ऊपर से बनेगा, अवनमन कोण। तो फर्स्ट लाइट देखेगा पहले जहाज को और फिर दूसरी बार में दूसरे जहाज को देखेगा। ठीक है, तो वहां जो कोण बनेगा वो एक 30 डिग्री का बन रहा है, एक 45 डिग्री का बन रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहां देखिए, सपोज मान लीजिए कि यहां पे एक आप देखें, यहां एक चिमनी, मतलब कि चिमनी की तरह है, लेकिन ये लाइट हाउस है। क्या है? ये लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस 75 मीटर क्या है, ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा है। और यहां से ये एक इस जहाज को देख रहा है, ये इस जहाज को देख रहा है। अब जब भी कभी अवनमन कोण बनता है तो पहले सामने देखा जाता है और फिर उसके बाद से जहाज को देखा जाएगा। लाइट ऐसे जलाओ, फिर ऐसे झुकाओ, लाइट को झुकाओ कि पहला जहाज कहां है, फिर देखो कि दूसरा जहाज कहां है, ऐसे। तो बताओ कि यहां पर कोण बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, कोण। तो एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होता है और बीच से ऐसे कोई लाइन है, जैसे ये वाला लाइन बी से लेके डी तक और यहाँ ए से लेके यहाँ ई लिख दीजिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसके ऐसे लाइन कटा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि अंत एकांतर कोण से। तो आप बताइए कि जब ये देखेगा तो एक ये कोण बनाएगा और ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर होगा। आइए, पूरा यहां से यहां तक ये पूरा के बराबर होगा, तो एक होगा ये, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री हुआ और ये कितना पूरा हुआ, 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा आपका 45। अब नहीं समझे तो एक और तरीका से समझ सकते हैं कि कौन 30 कौन 45 होगा। आप बताइए, ये वाला ऐसे झुका हुआ है, मान लीजिए ऐसे, तो ये क्या है, कम झुका हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, तो ज्यादा फैला हुआ है तो ज्यादा नंबर होगा ना, और जो कम फैला हुआ है तो क्या होगा, वो कम नंबर होगा। तो ये 45 डिग्री हुआ और ये 30 डिग्री हुआ, अगर ये और खड़ा ऐसे रहता तो और ज्यादा होता, 60 डिग्री भी हो सकता था। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, अब इसका क्या दे दिया है, पूरा टावर की ऊंचाई दे दिया है। अब बोला है कि ये जहाज जो है यहाँ पे और ये जहाज है, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालें, यही बोला है। ठीक है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले ये लंब दिया है तो ये आधार निकाल लें। ठीक, ये पता हो गया, यहाँ से यहाँ, मतलब कि ये जो आपका लाइट है उसे वहाँ से पहला जहाज कितना दूर है ये निकाल लेते हैं। ठीक, बी सी, उसके बाद से हम पूरा निकाल लेते हैं, और पूरा में से अगर बी सी को हटा देंगे तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकल जाएगी, ये जहाज कहाँ है और ये जहाज, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से, यहाँ जो आपका लाइट हाउस जो है, इसके पाद बिंदु यानी पैर के पास से यहाँ का दूरी को कुछ मान ले, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, माना कि लाइट हाउस से पहली जहाज की दूरी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब बताइए, आपको ये निकालना है ना, क्या, तो लंब दिया है, आधार निकालना है। क्या क्या नाम आया बाबू, लंब और आधार है। लंब आपको दिया है और आधार निकालना है, तो ये लंब और आधार किसी फॉर्मूला में आता है, ये दोनों नाम तो आता है लंब बटा आधार 10 के फॉर्मूला में, यानी त्रिभुज ए बी सी। पहले हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे लिखा है ए बी सी, इस त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे होता है 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्यों हम 10 लगाए, क्योंकि आपको बताए थे कि एक जो दिया रहेगा उसको लेना है और एक जो निकालना है उसको लेना है, देखना है ये दोनों नाम किस में आ रहा है। ठीक है, तो वो 10 में आता है।
लंब कितना है, तो लंब आपका है ए बी, आधार है आपका बी सी, टेन, थीटा का मान यहाँ कितना डिग्री है, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब आपका 75 और ये हो जाएगा आपका बी सी, बी सी नहीं है एक्स मान है तो एक्स लिख दीजिएगा एक्स, ठीक है। अब देखिए 10 45 का मान एक होता है और 75 बाई एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा जब भी बीच में इक्वल हो, तो ये एक्स में वन से तो एक्स इक्वल टू 75 मीटर, आपका ये कितना हो गया, एक्स हो गया आपका 75 मीटर। चलिए यहाँ पे हम भरिए मत, हटाइए इसको, ठीक है, ये पता रखिए। अब हमको ये पता चल गया आपका पूरा का पूरा, क्या पता चल गया, बेस पता चल गया। अब बताइए, अब हम पूरा निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, पूरा। बताइए इस बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ए बी डी वाला में, ठीक है, ए बी डी वाला में भी तो क्या पता है आपको, लंब वही है। देखिए ए बी सी के लिए भी लंब इतना ही है और इसके लिए, क्योंकि लाइट मारा है ऊपर से ही, उतना ही ऊपर से, यहाँ इस जहाज को भी देखा है उतना ही ऊपर से ये जगह, तो हाइट तो उतना ही है, तो लंब है 75, लेकिन बी से डी नहीं पता है, तो पता पूरा कर लेते हैं ताकि दोनों जहाज कितना दूरी पर है ये पता चल जाएगा। देखिए अब बात करते हैं त्रिभुज ए बी डी में, टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब और बटा में आधार, लंब कितना है पूरा, तो लंब है आपका ए बी और आधार आपका है बी से लेकर के डी तक, यहां आपका बी है और ये वाला आपका डी है, बी डी हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा का जगह यहां 30 डिग्री बन रहा है, टेन 30 हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी, ए बी कितना है तो यहां गौर से देखिए ए बी तो वही हो जाएगा 75 और बी से डी, बी डी ये बी डी ही लिखिए, बी डी लिखिए, इधर बनाते हैं हम। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 75 और बट्टा बी डी क्या है, यहां देखिए तो बाबू बी से लेके डी तक क्या है, तो अभी बी से लेके डी तक में ये तो लाइन निकल गया, यहां से यहां तक कितना आया था 75 आया था यहां से, यही ना नहीं पता है तो यही तो निकालना है, तो लिखिए बी से डी तक क्या क्या मिलके बना है, तो मिलके बना है बी सी और सी डी, 1/√3 बटा 75 और बी सी अभी निकला है 75 प्लस सी डी। एक गलती कभी मत कीजिएगा कि 75 से 75 काटिएगा मत, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा जब भी बीच में इक्वल हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75 प्लस सी डी इज इक्वल टू √3 में 75 से तो क्या हो जाएगा 75√3, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा 75√3 और माइनस में 75 हो जाएगा सी डी। आपको सी से डी के बीच की दूरी निकालना है क्योंकि एक जहाज सी पर है और एक जहाज डी पर है, तो इसके बीच की दूरी देखिए कितना निकलता है, दोनों में 75 कॉमन मिल रहा है, ये निकाल लीजिए 75 दोनों में से, जब दोनों में से निकाल लीजिएगा तो यहाँ अकेले बचेगा √3 और 75 बाहर हो गया तो बचेगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा सी से डी, यानी कि यहाँ लिख सकते हो जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस 40 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कभी आप गुब्बारा देखें जो आसमान में उड़ रहा होता है, उसको उड़ाया जाता है, तो उस गुब्बारे को गौर से देखिएगा। आप अभी हाल ही फिलहाल में क्या करते हैं, सामने देखते हैं कि अरे यार ये गुब्बारा उड़ रहा है, ऐसा आप देखते हैं, आप थोड़ा ही देर के बाद से वो थोड़ा सा आगे चला जाता है, इसका मतलब गुब्बारा अगर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है तो उसमें बहुत का अंतर होता है, अगर पहले यहाँ देखे और फिर अगर थोड़ा सा आगे चल रहा है तो कुछ दूरी वो तय किया है, मतलब कुछ दूरी आगे बढ़ा है, तो वही यहाँ पे निकाला जा रहा है कि बीच की दूरी निकालना है कि कितना दूर आगे गया है। ये तो रही बात की बात, लेकिन थोड़ा सा समझ ले स्टार्टिंग से ये कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक लड़की है, छोटिया कोई लड़की है, मान लीजिए कि एक लड़की है, और ये लड़की क्या कर रही है, देखिए यहाँ से गौर से इस फिगर को देखिए, ये लड़की सबसे पहले तो एक गुब्बारा उड़ रहा है, ये दिमाग में रख लेना है, कितना ऊपर उड़ रहा है, तो जमीन से, ये आपका नीचे वाला हिस्सा जमीन है, क्या है ये जमीन है, यहाँ पे हम लिख दिए ये जमीन है, ये नीचे वाला पूरा हिस्सा जमीन है, और जमीन से कितना ऊपर 88.2 मीटर ऊपर यहां से यहां तक उड़ रही है, गुब्बारा की ऊंचाई है ये इतना ऊपर है।
आप बताइए कि जमीन से नहीं इतना ऊपर है लेकिन आपका कुछ हाइट होगा कि नहीं, इस लड़की की कुछ हाइट है तो वो कहां से देखेगी? ऐसा थोड़ी है कि अपने ये सर को जमीन पे रख के तब देखेगी कि गुब्बारा कितना ऊपर गया, ऐसा नहीं है। वो लड़की खड़ी हो जाएगी और तब गुब्बारे को देखेगी, यानी कि 88.2 मीटर तो जमीन से ऊंचा है गुब्बारा, ठीक है, लेकिन लड़की का हाइट कुछ है तो वो यहां से देखना शुरू करेगी। देखिए कहां से, यहां से, ठीक है, ये बराबर अगर लाइएगा पैरेलल समानांतर, यानी अगर लड़की यहां पे खड़ी होती तो ये यहां से ना देखेगी कितना ऊपर उड़ रहा है, क्योंकि जमीन से 88.2 तो ये लड़की का हाइट दिया है 1.2 मीटर, फिर ये यहां से देखना शुरू करेगी। तो आप बताइए कि ये यहां से कितना ऊपर है? कुछ देर के लिए अगर मान लीजिए इसको ए माने, इसको माने हम बी, यहां देखिए ए बी, इसको मानते हैं सी, और जहां से लड़की देख रही है इसको मान लेते हैं डी, और एक वाले को ई। इतना समझ में आया आपको? ए बी सी डी ई, इसको भी मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए जी, इस पॉइंट को, ठीक है। अब गौर से देखिए इसको, यहां से जब लड़की पहली बार गुब्बारा देख रही है तो गुब्बारा यहां पे था, ठीक है, तो जब यहां पे था तो लड़की तो तिरछा देखिए गुब्बारा को, कहाँ देखिए, तिरछा, यानी कि उन्नयन कोण बनाएगा। जब भी आप ऊपर देखेंगे तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण, नयन को आप ऊपर करके देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। तो कहाँ से उन्नयन कोण, जमीन से वो कुछ ऊंचा होगा, हम तो ऐसे देख रहे हैं तिरछा। आप बताइए कोई आदमी अगर यहां से ऐसे देख रहा है, ये जमीन हो गया, यहां से ऐसे देखा तो जमीन से कितना ऊपर हुआ? तो जमीन से ये वाला ऊपर नहीं है, जमीन ये यहां से ना ऊपर होगा, तो यहां से कुछ ऊंचाई है यहां पे ई से लेकर के सी तक, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो जब यहां से देख रही है तो यहां कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। कुछ देर बाद होता क्या है कि ये गुब्बारा उड़ करके और कहां चला जाता है, यहां पे चला जाता है। तो अब लड़की क्या करेगी, अपने नजर को क्या करेगी, थोड़ा सा और आगे करेगी, अब यहां से डायरेक्ट इसको देखेगी, कहां देखेगी, इसको। आप बताइए कि यहां पे देख रही थी तो ये जमीन था आपका, यहां से सीधा देखो क्योंकि पहले नजर सामने देखा जाता है तब नयन को ऊपर किया जाता है, तो यही बात है। इसको देखी तो 60 डिग्री का कोण बनाई, जब इसको देखी है तो क्या की है, देखिए तो इसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग आ रहा है, ये वाला यहीं पे आपको समझना है। पहले ये ऐसे था, ऐसे सामने वाला, सामने से हमेशा ना जो क्षैतिज होता है उस पर कोण बनता है, पहले सामने देखा जाता है, अगर नयन को ऊपर कर रहे हैं तो क्षैतिज और नयन के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण कहते हैं। तो पहले सामने हो गया, ये ऊपर हो गया, तो इसके बीच में ये पूरा कोण 60 डिग्री का बना। अब गुब्बारा कुछ दूर चला गया तो अब लड़की डायरेक्ट वहां देखेगी, तो देखो क्षैतिज ये वाला हो गया था और ये वाला हो गया नजर इनका जो गया है, तो इसके बीच में बनेगा तो छोटा कोण 30 डिग्री बना है। कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री का, यही यहाँ पे बोला है। हवा के जरिए अब क्या होगा, गुब्बारा उधर जाएगा, तो बोला जा रहा है कि यहां से लेके यहां तक जो गया है गुब्बारा इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप बताइए कि जब यहां से यहां गुब्बारा जाएगा तो मिला जुला के यही ना हुआ, आपको पता होना चाहिए आयत हो तो ये जितना ऊपर होता है उतना ही दूरी नीचे भी होता है। आप ऊपर वाला दूरी कैसे निकालेंगे, कोई फिगर थोड़े ना बन रहा है, ठीक है। तो ये जितना यहां से यहां दूरी होगा, यहां से यहां, यहां से गुब्बारा यहां पे गया है, उतना ही ये भी होगा, तो बस हमको यही दूरी निकाल लेना है। क्या करना है, यही दूरी क्या होगा ये निकाल लेना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां देखिए तो कभी भी एक समकोण त्रिभुज बनता है। मान लीजिए कि यहाँ लड़की है और गुब्बारे को देख रही है और कुछ देर बाद गुब्बारा यहाँ पे चला जाएगा तो लड़की इधर देखेगी, मतलब लड़की डायरेक्ट इधर रही, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ से जो गुब्बारा वहाँ गया इसके बीच की दूरी निकालें, ये पूछा है। तो जब यहाँ से बीच की दूरी निकालना है तो आपको ये लंब दिया है, पूरा 88 है, पूरा कितना है 88.2, और लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2, तो 88 में से 1.2 यानी 1.2 घटा दोगे तो ये वाला हाइट निकल जाएगा, लंब निकल जाएगा इस त्रिभुज में, क्या निकल जाएगा, लंब। और जब लंब दिया हो तो पूरा आधार भी निकल जाएगा, उसी तरह इसमें भी होगा, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी और यहाँ डी, ये इसका नाम क्या है, डी नाम है, सी वाला तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, ए बी डी त्रिभुज का बात करते हैं, लेकिन पहले ये ए बी निकाल लें। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी इज इक्वल टू पूरा ए एफ, पूरा हाइट में से क्या घटा देना है, लड़की 1.5 मीटर ये है तो ये भी तो सॉरी 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर होगा, 1.2 यहाँ पे घटा दे रहे हैं, पूरा है 88.2 में से 1.2 घटा जाएगा तो बन जाएगा 87 मीटर। ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया 87 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जो 82 था, पूरा 82 था, अब यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 87
मीटर हो गया। तो जब लंब पता है, आधार निकालना है, हमको निकालना है इसके बीच की दूरी। तो ये वाला अगर निकल जाएगा बी से लेकर सी तक, तो यही तो गुब्बारे के बीच की दूरी है, ऊपर नहीं नीचे, और ऊपर दोनों लाइन तो बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये निकालना है तो पहले पूरा लाइन निकाल लेते हैं, फिर इतना लाइन निकाल देंगे। अब पूरा में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो ये लाइन बच जाएगा, बस गुब्बारे के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब जब आपको लंब पता है, आधार निकालना हो, तो लंब और आधार किस में आता है, तो टेन थीटा में आता है। यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ये लड़की का इमेज ज़्यादा इधर उधर हो गया, ऐसे समझ जाओ कि ये 1.2 मीटर क्या है, ये लड़की है। अब देखिए ए बी और ये वाला हो गया डी में, इस त्रिभुज का बात करें ए बी डी, गौर से देखते चले। इसमें जब बात करेंगे तो एंगल कितना है, 30 डिग्री वाला है, क्योंकि यही तो दोनों जा करके ये ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है। तो इसमें लंब ये दिया है 87, निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा में ये दोनों आ जाता है, लंब बटा में आधार। आप देखिए, लंब आपका हो गया ए बी, आधार हो गया बी से लेकर के डी तक, ये पूरा है बड़ा वाला त्रिभुज में, ये पूरा आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, टेन थीटा का मान 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी दिया है 87 बटा बी डी, बी डी आप उतार दीजिए, ठीक है। वैसे बी डी क्या क्या दिया है, आप देखिए, तो बी से लेकर डी तक पहुंचने के लिए पहले बी सी आना पड़ेगा, फिर सी से डी आना पड़ेगा, यानी बी सी और सी डी मिला के बी डी बना है, यही तो बना है। तो यहाँ इसके जगह पर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। 30 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 87 और बटा में हो जाएगा ये बी सी प्लस सी डी। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों में 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी चीज़ से गुणा कीजिएगा तो वो वही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 87√3 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना है समीकरण एक, इसको मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले गुब्बारा था कहाँ, पहले तो लड़की यहाँ पे थी और इस गुब्बारे को देख रही थी, और ये गुब्बारा थोड़ी ही देर में उड़ते उड़ते यहाँ पे पहुँच गया है, थोड़ा ही देर में उड़ के कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे पहुँच गया है। तो कह रहा है कि इससे और यहाँ से यहाँ पहुँचा है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ देखिए, तो बीच की दूरी निकालना है, कितना दूरी वो तय किया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया मतलब कि यहाँ गुब्बारा था और चला गया यहाँ पे, तो बताइए ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है कि नहीं, हम क्या बात कर रहे हैं, बी सी और ए ई दोनों बराबर है कि नहीं, क्योंकि देखिए एक आयत में या फिर एक वर्ग में जितना ऊपर होता है उतना ही लंबा नीचे भी होता है। तो हम अगर बी सी निकाल ले तो वही तो ये भी हो जाएगा, बीच की दूरी भी, ठीक है। तो हमको बी सी निकालना है, और बी सी निकलेगा कैसे, तो एक काम करते हैं, अभी हम पूरा निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये पूरा निकाल रहे हैं, उसके बाद ये इतना आधा निकाल लेंगे, और पूरा में से अगर इतना काट के हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा, यही बच जाएगा। जैसे मान लो पूरा हो गया 10, कुछ देर के लिए मान लो, और ये हो गया आपका 4, तो बताइए 10 में से 4 हटा दिए तो ये लाइन 6, यानी इनके बीच की दूरी 6 है, ऐसे हो सकता है। उसी तरह से ये भी देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब बात करते हैं ट्रायंगल ये वाला, इसमें देखिए पहले यहाँ से लड़की देखिए इसको, तो हो जाएगा ट्रायंगल ई सी डी, ई सी डी में, ठीक है। आपको एक बात बताइए, जब गुब्बारा उड़ रहा है तो ये कितना मीटर ऊपर उड़ रहा है, लड़की देख रही है तो 87 मीटर है, जितना ये है उतना ये भी होगा ना, क्योंकि गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ रहा है, अब भागेगा साइड में, यानी कि अब इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब लंब भी इसका 87 होगा, उधर 87 है तो इधर 87 होगा, ठीक है। तो जब लंब दिया है, आधार निकालना है, तो लंब और आधार आता है टेन थीटा में, टेन थीटा में क्या आता है, लंब बटा आधार। लंब दिया है कितना आपका, हो जाएगा ई सी, ई से सी तक लंब, और आधार दिया है सी से लेकर के डी तक। यहाँ टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए थीटा का वैल्यू पूरा कितना है, 60 डिग्री है। और ये देखिए, ये ई सी हो जाएगा आपका कितना, 87, और ये सी डी इसका होता है √3 बराबर 87 सी डी। जब भी बीच में क्या हो, इक्वल टू हो, क्या हो, इक्वल टू यानी बराबर हो, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो ये तो गुणा कर लेगा √3 सी डी, बेचारा इसके ही नीचे कुछ नहीं है, तो ये अकेले ही रह जाएगा। फिर सी डी का वैल्यू निकालना है, तो इसको बटा में भेज दी, तो सी डी बराबर हो जाएगा 87 और बटा में हो जाएगा √3। इतना आपको समझ में आया होगा, सी डी का मान निकल गया। अब बताइए, पूरा का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं,
और इतना का भी मान निकाल चुके हैं, दोनों निकालनी है। सी से डी आपका ये आया है और ये वाला बी से डी, यहाँ देखिए ये क्या था, बी डी था और बी डी ये था। समीकरण एक यहाँ लिख सकते हैं, सी डी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है, बी सी प्लस सी डी बराबर 87√3। बी सी लिख दीजिए क्योंकि हमको बी सी तो निकालना है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी, और प्लस सी डी कितना आया है, सी डी आया है 87√3 इज इक्वल टू 87√3, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाला जो है ऐसा लग रहा है ना कि ये बट्टा का घटाव है, अगर एक मान लेंगे तो लगे कि ये बट्टा का घटाव है, तो पहले बट्टा का घटाव करते हैं, क्या करें, ये दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो हो जाएगा √3 और ये आपका हो जाएगा 87। ये जब एलसीएम लेते हैं तो आगे इतना इसमें इसमें भाग करेंगे, जो आता है ऊपर वाले में गुणा करते हैं, बट्टा का जोड़ यही रूल होता है, ठीक है। तो जब गुणा कीजिएगा तो ये √3 × √3 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस जब इसमें इसमें डिवाइड कीजिएगा तो वन ये पूरा का पूरा 87 आ जाएगा, ये हो जाएगा 87 √3 में √3 से खाली बचेगा 3 और माइनस में ये हो जाएगा आपका कितना 87, अब बटा में हो जाएगा √3। ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, √3 में √3 से 3 × 3 = 9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। 87 कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3 माइनस, जब इसमें से 87 निकल गया तो 1 बचा, बटा में √3 87, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा √3। मल्टीप्लाई इसको कीजिए देखिए तो से हो जाएगा कितना आपका 7 × 14 = 4 हाथ में 1, या फिर एक और काम कर सकते हैं, चलिए ठीक है, 7 × 14 = 4 हाथ में 1, 8 × 2 = 16 और 1 = 17 और बटा में ये हो जाएगा कितना √3। जब भी नीचे रूट हो तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं यानी परमेकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा √3/√3, ये गुणा कीजिएगा तो 174√3 और बटा में √3। √3 और √3 3 × 3 = 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, कटा दीजिए इसको तो ये हो जाएगा कितना 3 × 5 = 15, 2 × 3 = 24, 58√3। क्या आया वैल्यू इसका, तो बी सी था ना, तो बी सी बराबर कितना आ गया 58√3। यहाँ लिख सकते हैं दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी 58√3 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से और गौर से समझिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है सड़क, क्या होता है वो सड़क समझ लिए, वो सड़क क्या हो रहा है ध्यान से समझिए, वो सड़क जा रहा है और इधर एक मीनार है, ऊंचा कोई चीज होगा वो मीनार है, और वो सड़क जो राजमार्ग है डायरेक्ट मीनार तक जाता है, और इस मीनार के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है जो रोड के ऊपर देख रहा है। जब वो रोड के ऊपर देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तो बताए थे कि जब ऊपर से देखेगा तो अनमन, ऊपर से आप झुकते हैं नमन करते हैं तो ऊपर से ही तो झुकते हैं ना, नीचे से तो नहीं झुकते हैं, तो ऊपर से देखेगा तो अनमन कोण बनाएगा। पहली बार वो सड़क पर एक गाड़ी को देखा है, किसको देखा है, एक कार को देखा है, और वह कार जब देख रहा है तो 6 सेकंड बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, कहां बढ़ गई, 6 सेकंड बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, यानी 6 सेकंड बाद अब यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो इस गाड़ी को मीनार तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी इसके बीच की दूरी आपको निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, एक मीनार था और यहाँ मीनार के ऊपर एक लड़का था, ठीक है, और वो गाड़ी को देख रहा है, 6 सेकंड बाद गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी है, ठीक है, अब कितने सेकेंड बाद वो पूरा मीनार तक पहुँच जाएगी, यही क्वेश्चन कह रहा है, यानी यहाँ से वो इतना दूर पहुँच जाएगी। तो बताइए, मीनार की हमको ऊँचाई भी नहीं पता है कि मीनार कितना ऊँचा लड़का खड़ा होकर देख रहा है, ना ही हमको कुछ डिस्टेंस पता है, बस ये 6 सेकंड पता है। तो यहां देखिए पहले मीनार की ऊंचाई लिख देते हैं, ठीक है, यहां मानिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू एच, ऊंचाई को एच मान लीजिए, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यहां बीसी दूरी की लंबाई भी निकालो, कुछ मान लो यहां पे हो जाएगा बीसी दूरी की लंबाई कितना हो जाएगा x मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ गई है तो 60 सेकेंड में गई है। अब एक काम करते हैं हम इसका, अब बताइए ये हमको पता है, कितना पता है x माने हैं, आधार पता है, ये समकोण त्रिभुज है, और याद रखिए इस पूरे लेसन में सिर्फ समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए क्या है, आधार है x माने हैं, लंब क्या माने हैं एच माने हैं, तो आधार और लंब, चाहे लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है, तो tan थीटा में आता है, तो यहाँ पहले त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज
ए बी सी में, ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना है, तो लंब आपका है एच, और आधार कितना है ए बी सी में, तो आधार आपका कितना दिया है, एक्स दिया है, ठीक है। टेन थीटा का मान इसके लिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, एंगल अपने से क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा ही। गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग ये होता है, ये जितना होगा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर यहाँ पे ये 30 डिग्री हो रहा है ये वाला, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको लिखना कैसे है, पूरा ये कितना है आपका, यहाँ पे पूरा ये वाला 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ आपका अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। टेन थीटा का मान कितना दिया है, तो थीटा का मान 60 दिया है, और ये हो जाएगा एच बट्टा एक्स। टेन 60 का मान रूट 3 होता है, और ये हो जाएगा एच बट्टा में एक्स हो जाएगा। यहाँ एक्स या फिर एच किसी का मान निकाल लीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कीजिए जब बीच में बराबर है, तो ये हो जाएगा रूट 3 एक्स इज इक्वल टू एच, ये इतना हो जाएगा समीकरण एक, इसको मान लीजिए। अब हम बात करते हैं किसमें, इस समीकरण का बात करते हैं, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का बात करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, वही बात है, ये दिया है आपका आधार, यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ x, आधार पूरा दिया है, और ये लंब आपको h दिया है, तो यहाँ पे tan थीटा यूज होगा, लिखिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार। लंब कितना है, तो लंब आपका h है, और आधार कितना है, तो आधार आपका bd है, b से लेकर के d तक। यहाँ देखिए टेन थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री। वैसे भी अगर अवनमन कोण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये कम झुका हुआ है, और गाड़ी जब आगे होगा तो ये क्या होगा, फैल गया है ऐसे, तो और एंगल ऐसे पहले 30 था और ऊपर ऐसे फैल गया, तो बड़ा हो गया ना एंगल, तो उस साइड डिग्री होता, बड़ा वाला हमेशा आगे ही होगा, ठीक है। अब देखिए टेन 30 यहाँ पे 13 हो गया, और इक्वल टू एच बटा बी डी कितना है, तो बी से लेकर के डी तक में एक 6 आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ से यहाँ एक्स, दोनों मिला के 6 प्लस एक्स बी डी की जगह लिख दिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा एच, और यहाँ पे लिखिए 6 प्लस एक्स, जब भी बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एच रूट 3, ठीक है। अब इतनी गौर से देखिए, यहाँ पे इसको देखिए, जब इसको देखेंगे तो एच बराबर रूट 3 एक्स है, तो ले जाके इसमें भर दीजिए समीकरण, इसको 2 मान लीजिए, एच का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 6 प्लस एक्स, और एच कितना है, तो एच है रूट 3 एक्स, कितना है रूट 3 एक्स, यहाँ ऑलरेडी प्लस है रूट 3 है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए 6 प्लस एक्स, रूट 3 रूट 3 3 3 जहाँ 9 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का रूट 3 होता है, 3x हो गया। ये माइनस में है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 6 इज इक्वल टू 3x में से x जाएगा तो हो जाएगा 2x, और ये इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। अब आप बताइए x बराबर 3, x क्या माने हैं, यही तो है, जब गाड़ी यहाँ D पर थी, कहाँ पे थी, D पर, तो यहाँ से C पर जाने में 6 सेकेंड लगाया, लेकिन जब C पर गाड़ी है तो यहाँ से मीनार तक जाने में x सेकेंड लगा रही है, तो x का मान कितना आ गया, 3, यानी कितना सेकेंड लगाएगी, मीनार तक पहुँचने में 3 सेकेंड लगाएगी, तो यहाँ लिख लीजिएगा मीनार तक पहुंचने में लगा समय, या फिर कार द्वारा लगा समय 3 सेकंड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने वैसे अपने प्रिय दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बेहतर तरीक़े से समझे, और आपका टक्कर देने के लिए आए। कंजूसी मत कीजिएगा, बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये क्लास टेंथ की एक्सरसाइज जो है, आखिरी 9.1 का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा
सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। नहीं पल्ले पड़ा, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मान लीजिए मीनार है और मीनार की कुछ दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर और यहीं से एक 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु स्थित है और यह दोनों बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है। इससे और इससे दोनों से क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। तो जहां उन्नयन कोण बनेगा तो नयन को ऊपर करके और किसको देखेगा? मीनार के शिखर को, यानी कि जो टावर है उसके शिखर को देखेगा। तो वहां कोण बन रहा है लेकिन पता ही नहीं है कौन कौन बन रहा है। बोला है कि दोनों कोण मिला करके पूरक कोण होना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि शिखर पर उन्नयन कोण बन रहा है जो पूरक कोण है, यानी कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ और यहाँ दोनों को मिला के क्या होना चाहिए? पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? देखिए, जब दो कोण को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो 90 डिग्री होना चाहिए, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर ये कोण अगर 30 डिग्री हो जाए तो ये 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, क्योंकि दोनों कोण का मान होता है, दोनों कोण को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसे पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो उसे सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण कहते हैं। देखिए कैसे, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि दो कोण है और दो कोण का योग कितना आ रहा है? पूरक आ रहा है। पूरक का मतलब होता है कि दो कोण को जोड़िएगा ना तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आपसे हम बोले कि अगर पहला वाला अगर 30 डिग्री है तो दूसरा वाला क्या होगा, ये बात बताइए। ठीक है, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। डब्बा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 में से 30 जाएगा 60। बताइए इसका वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको अलग रखते हैं। ठीक है, तो इधर एक साइड रख दिए और नंबर को नंबर के पास भेज दिए, यानी पहला वाला 30 था तो दूसरा वाला क्या हो गया? 60। लेकिन एक बात बताइए, पहला वाला तो हम अपने से माने हैं ना, आपको थोड़े पता है, तो इसको मानना पड़ेगा थीटा, कुछ नहीं तो एक्स वाई जेड चाहे थीटा मानते हैं। तो आप बताइए कि जब दो कोणों का योग कितना हो जा रहा है? पूरा, पूरा यानी 90 डिग्री। अगर पहला वाला थीटा हो जाए तो दूसरा वाला का होगा, यही ना पूछा है, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, थीटा को इधर भेज दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो डब्बा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जब इसको थीटा मानिएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये दिमाग में रखना है। अब आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई 6 दिया नहीं है, साबित करना है कि ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका इंच आ जाए, ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो हम आंसर लाना है ऊंचाई 6, दूसरा आया तो आप गलत बनाए हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऊंचाई को मान लेते हैं एच। माना कि मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच मानो, एच हो जाएगा। अब बताइए, आपको आधार पता है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, आधार पता है 4, ये वाला पता है आपको एच, तो आधार पता है और लंब निकालना है, तो आधार और लंब तो 10 में आता है ना। पहले लिखिए किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी सी में 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा में आधार। लंब कितना है? तो लंब आपका पूरा ए बी यानी कि एच है, और आधार बी सी कितना है? ये आधार हो जाएगा इस त्रिभुज में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 10। और थीटा ये कितना है? तो थीटा ये है 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा इंच बटा में 4। एक फार्मूला आपको ट्रिक के जरिए बताए थे, 8 लेसन में जाकर के देखिएगा। अगर देखिए आपको 8 और 9 के फार्मूला का कोई भी डाउट है तो बहुत ही मजेदार ट्रिक, आपको जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके देखिए, वहां पड़ा हुआ है, याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 90 माइनस थीटा अब होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये हो जाएगा एच बाई 4। जब बीच में बराबर हो तो तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? 4 cot θ बराबर एच। ठीक है, मतलब इसमें गुणा हो जाएगा, एच इधर हो जाएगा, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। ठीक, अब बड़ा वाला त्रिभुज का बात कीजिए, ये बड़ा वाला ए बी डी, ठीक है, जिसमें ये पूरा आधार दिया है 9, लंब एच दिया है, तो 10 का ही यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, 10 θ बराबर लंब बट्टा में आधार। लंब तो एच ही है, उसी लंब तो दोनों के लिए वही होगा, आधार क्या है? यहां से यहां तक 9 है, कितना है? 9। 10 थीटा तो थीटा ही दिया है, ये वाला तो थीटा ही है, ये हो जाएगा आपका एच बाई 9। जब बीच में क्या हो, बताए थे आपको, जब बीच में बराबर तो तिरछा तिरछी गुणा करो, तो इधर तो तिरछा क्रॉस में कुछ है नहीं, तो 9 में 10 थीटा, तो 9 10 थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा?
9 tan थीटा और इधर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। समीकरण इसको दो मान लीजिए। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाइट। तो एक काम कीजिए ना, समीकरण एक और दो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। देखिए करने से फायदा क्या है, समीकरण एक और दो को गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर h हमारा बच जाएगा। एक क्या है, समीकरण एक है 4 cot थीटा। आ एक चीज आपको बता दे कि जब भी ऐसे एक और दो को गुणा करने का बात आता है तो बराबर के एक तरफ वाले को बराबर के एक तरफ वाले से गुणा और दूसरे तरफ वाले को दूसरे तरफ से गुणा। तो 4 tan या 4 tan cot थीटा इंटू इस साइड यही ना है 10 9 tan थीटा इज इक्वल टू h। इधर भी क्या है h, दोनों h लिख दिए हैं। ठीक है, यहां देखिए बराबर के एक तरफ वाले को एक तरफ गुणा और इस साइड वाले को इस साइड। यहां देखिए नंबर में नंबर से पहले गुणा कीजिए, 9 चौका कितना हो जाएगा 36। इधर बच गया क्या 10 थीटा इंटू cot थीटा इंटू 10 थीटा बराबर में h, h हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक है, 36 cot थीटा इंटू 10 थीटा तो होता है 1 फॉर्मूला में, एच स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 बराबर एच स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 36 इज इक्वल टू में एच। और आप जानते हैं कि एच बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। आप बताइए ऊंचाई बराबर 6 आ गया कि नहीं, जो ये क्या करना था, साबित करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ये आपका 9.1 एक्सरसाइज पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। आप मन लगा के बेहतर तरीके से इसका रिवीजन करते रहिए, आपके एग्जाम से अब कुछ ही दिन बाद इंतजार आपका खत्म होगा। हर लेसन का चैप्टर वाइज, जैसे ही आपका बुक कंप्लीट होगा चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस और प्रीवियस ईयर में जितना क्वेश्चन है वो कराया जाएगा। आई गारंटी कि आपका 95 के प्लस ऊपर आना ही आना है। मेहनत आपको करना पड़ेगा बाबू, ये चीज याद रखिएगा। घर पे स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा कि एक रिजल्ट आपको लाना है, कोई दूसरा कोई रिजल्ट नहीं लाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट का सपना आपने देखा है तो मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो फिर हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते चलेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।